हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम माइक्रो प्रोसेसर की 8086/88 इंस्ट्रक्शन सेट एंड असेंबलर के मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स की क्विज लेने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ऑपरेशन कोड फील्ड इज प्रेजेंट इन। ऑपरेशन कोड फील्ड ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सबसे पहला ऑप्शन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, सेकंड ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन थ्री है मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन और ऑप्शन फोर है नन ऑफ द मेंशन अबव। तो इसका सही आंसर है मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हैज वन और मोर फील्ड्स। द फर्स्ट वन इज द ऑपरेशन कोड फील्ड। क्वेश्चन नंबर टू, अ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ। मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या कंसिस्ट करता है? ऑप्शन ए ऑपरेंड फील्ड, ऑप्शन टू ऑपरेशन कोड फील्ड, ऑप्शन थ्री ऑपरेशन कोड फील्ड एंड ऑपरेंड फील्ड एंड ऑप्शन फोर्थ नन ऑफ द मेंशन अबव। इसका सही आंसर है ऑपरेशन कोड फील्ड एंड ऑपरेंड फील्ड। मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हैज़ बोथ द फील्ड, दैट इज ऑपरेशन कोड फील्ड एंड ऑपरेंड फील्ड। क्वेश्चन नंबर थ्री, द लेंथ ऑफ द वन बाइट इंस्ट्रक्शन इज। जो लेंथ होती है वन बाइट इंस्ट्रक्शन की वो कितनी होती है? टू बाइट्स, वन बाइट, थ्री बाइट्स या फोर बाइट्स? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, वन बाइट। दिस फॉर्मेट इज ओनली वन बाइट लॉन्ग। ये फॉर्मेट सिर्फ वन बाइट लॉन्ग होता है। क्वेश्चन नंबर फोर, द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट रजिस्टर टू रजिस्टर हैज़ ए लेंथ ऑफ। जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है रजिस्टर टू रजिस्टर वाला, उसकी लेंथ कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है टू बाइट्स, ऑप्शन टू है वन बाइट, ऑप्शन थ्री थ्री बाइट्स एंड ऑप्शन फोर है फोर बाइट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टू बाइट्स। दिस फॉर्मेट इज टू बाइट्स लॉन्ग। जो रजिस्टर टू रजिस्टर फॉर्मेट होता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, उसकी लेंथ होती है टू बाइट्स की। क्वेश्चन नंबर फाइव, द आरएम फील्ड इन मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट स्पेसिफाई। जो आरएम फील्ड होती है मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की, वो क्या स्पेसिफाई करती है? ऑप्शन ए अनादर रजिस्टर, ऑप्शन बी अनादर मेमोरी लोकेशन, ऑप्शन सी अदर ऑपरेंड्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द मेंशन अबव। द LSBs लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट्स फ्रॉम 0 to 3 रिप्रेजेंट RM फील्ड दैट स्पेसिफाइज अनादर रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन दैट मीन द अदर ऑपरेंड। जो LSB होते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट्स, जो 0 से 3 तक होते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आरएम फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या स्पेसिफाई करते हैं? अनादर रजिस्टर स्पेसिफाई करते हैं, मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई करते हैं, उसका ही मतलब होता है द ऑपरेंड। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एस बिट इज द। जो मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है उसमें एस बिट क्या है? ऑप्शन ए स्टेटस बिट, ऑप्शन बी साइन बिट, ऑप्शन सी साइन एक्सटेंशन बिट एंड ऑप्शन फोर है नन ऑफ द मेंशन अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी साइन एक्सटेंशन बिट। जो एस बिट होती है वो साइन एक्सटेंशन बिट होती है मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। द एस बिट नोन एज साइन एक्सटेंशन बिट इज यूज्ड अलोंग विद द डब्ल्यू बिट टू शो द टाइप ऑफ ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर सेवन, द बिट विच इज यूज्ड बाय द REP इंस्ट्रक्शन इज। ऑप्शन है डब्ल्यू बिट, एस बिट, वी बिट, एस जेड बिट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर जेड बिट। द जेड बिट इज यूज्ड बाय द REP इंस्ट्रक्शन टू कंट्रोल द लूप। लूप कंट्रोल करने के लिए क्या रिप इंस्ट्रक्शन के लिए जो रिप इंस्ट्रक्शन जो कंट्रोल करते हैं लूप को, वो किस बिट से करते हैं? तो जेड बिट है। क्वेश्चन नंबर एट, इफ ए डब्ल्यू बिट वैल्यूज इज वन देन द ऑपरेंड इज ऑफ। अगर डब्ल्यू बिट वैल्यू एक है तो ऑपरेंड कितने बिट्स का होगा? तो उसका ऑप्शन है ए 8 बिट्स, ऑप्शन बी 4 बिट्स, ऑप्शन सी 16 बिट्स एंड ऑप्शन डी 2 बिट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 16 बिट्स। इफ डब्ल्यू बिट इज 1 देन द ऑपरेंड इज ऑफ 16 बिट्स एंड इफ इट इज 0 देन द ऑपरेंड इज ऑफ 8 बिट्स। यानी कि अगर डब्ल्यू बिट 1 है तो ऑपरेंड कितने बिट्स के होंगे? 16। अगर 0 बिट हो गए होगा डब्ल्यू बिट का, तो ऑपरेंड कितना होगा? 8 बिट्स का। क्वेश्चन नंबर 9, द इंस्ट्रक्शन विच आफ्टर एग्जीक्यूशन ट्रांसफर कंट्रोल टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द सीक्वेंस आर कॉल्ड। जो ऐसे कौन से इंस्ट्रक्शन होते हैं जो एग्जीक्यूशन होने के बाद ट्रांसफर कंट्रोल नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे कर देते हैं इन द सीक्वेंस में, उसे क्या कहते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है सिक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी है
कंट्रोल ट्रांसफर फंक्शन इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन सी सिक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो एंड कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, एंड ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ द मेंशन अबव। इसका सही आंसर है सिक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन। द सिक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन फॉलो द सिक्वेंस ऑर्डर इन देयर एग्जीक्यूशन। सिक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो होता है वो इंस्ट्रक्शन को एक सिक्वेंस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। इसी तरह से 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द इंस्ट्रक्शन दैट ट्रांसफर द कंट्रोल टू सम प्री डिफाइंड एड्रेस और द एड्रेस स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड। ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन होता है जो ट्रांसफर कंट्रोल करता है टू सम प्रीडेंट एड्रेस और द एड्रेस स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन, जो दिए गए एड्रेस है या फिर प्री डिफाइंड एड्रेस है उस तक हमें इंस्ट्रक्शन पहुँचाता है तो कौन कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए सिक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन बी कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन सी सिक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो एंड कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन अबव। तो ऐसे कौन से इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंट्रोल को ट्रांसफर करते हैं एक एड्रेस पे जो प्री डिफाइंड होता है इन द इंस्ट्रक्शन, तो वो है कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। द कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफर द कंट्रोल टू द स्पेसिफाइड एड्रेस। जो कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं कंट्रोल स्पेसिफाइड एड्रेस पर जो प्री डिफाइंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द इंस्ट्रक्शन जंप बिलोंग्स टू, जो इंस्ट्रक्शन जंप होता है वो किससे बिलोंग करता है। ऑप्शन ए सिक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी ब्रांच इंस्ट्रक्शन, एंड ऑप्शन डी कंट्रोल ट्रांसफर एंड ब्रांच इंस्ट्रक्शंस। तो मैं फिर से दोहराता हूँ ऑप्शंस, सिक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, ब्रांच इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोल ट्रांसफर एंड ब्रांच इंस्ट्रक्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर कंट्रोल ट्रांसफर एंड ब्रांच इंस्ट्रक्शंस। द जंप इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर द कंट्रोल टू द एड्रेस लोकेटेड इन द इंस्ट्रक्शन। जो जंप इंस्ट्रक्शन होता है वो ट्रांसफर करता है कंट्रोल एड्रेस लोकेटेड इन द इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन पे एड्रेस लोकेट हुआ है वो उस तक। तो इसी तरह से हमने क्विज के 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के प्रिपेयर कीजिए अच्छे से और हर दिन नया कुछ सीखते रहिए, अपने आप को और भी बेहतर बनाते रहिए। हर एक दिन आप अपने आप को एक नया चैलेंज दीजिए, नया क्विज़ तक नया क्विज़ या फिर कुछ नई पढ़ाई कीजिए। हमेशा अपनी पढ़ाई पे ज़्यादातर फोकस रखिए और कॉन्सेंट्रेटेड रहिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल सबको शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह से मैं आपके लिए क्विज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।